हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। फुकरा इंसान और जिया के सामने आ चुका है फलक नाज का सच, जहां पर फलक नाज घर में आके बस ये बातें बोल रही थी कि मैं सबसे बड़ी दीदी हूँ और सब लोग मेरे बच्चे हैं, सबको मुझे कमा के देना है और सबको मुझे खिलाना है, बाहर का काम भी मुझे करना है, घर में आके भी रोटियां मुझे ही बनानी, और हंसते हंसते करो ये सब काम, जो भी किचन में आता वो हंसते हंसते करो। पहले का तो रूप देखा, पर अब जो है 3-4 दिन से फलकनाज का रूप जो है बदलते हुए दिखाई दे रहा है, और ये चीज जो है पकड़ ली है जिया और फुकरा इंसान ने। जहां पर जिया का कहना ये है कि यार, ये फलक पहले तो बोलती थी कि मुझे कोई भी काम दो मैं हंसी खुशी कर लूंगी, पर आजकल सिर्फ उसको खाने का काम दिया गया। जब भी वो खाना बनाती है तब वो मुंह फैलाती रहती है और बोलती रहती है कि मुझे इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है। कल भी उसने इतना मुंह फैलाया हुआ था, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, मैं जाके मनीषा को जो है बोल दी कि रोटियां बना दो बस, क्योंकि वो बहुत हंसी खुशी करती है सब चीजें, ये सिर्फ बोलती है और वो करती है। जहां पर फुकरा का भी कहना ये है कि हाँ, मैंने भी ये चेंजेस जो है कुछ दिनों से देखे हैं। यार यहां पर अगर सच्ची बात बोलूं तो मैंने कल ही मतलब कि नोटिस किया, या तो ये दीपिका बनने की कोशिश कर रही है, विनर थी दीपिका, पता नहीं कौन से सीजन में भी, लाइक मुझे याद नहीं है कौन सा सीजन था, उसमें भी दीपिका का जो थोड़ा बहुत नेचर था ऐसा था, पर लोगों ने उस वक्त दीपिका को बहुत पसंद किया बिकॉज वो बहुत ही नेचुरल थी। यहाँ पर फिर रुबीना दिलेक बहुत ज़्यादा बॉसी थी, क्योंकि इसमें बॉसीनेस भी दिखाई देती है, ठीक है, पर ऐसी नहीं बनावटी वाली। तो ये ना उन दोनों का मिक्सचर बनने की कोशिश करती है फलकनाज, ऐसा मुझे लगता है, पर फलकनाज को ऐसा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने भी एक्चुअली में फलकनाज का सच पकड़ लिया, और मैंने तो पहले ही भी पकड़ा हुआ था। आपका क्या कहना है बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।